दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक 3D प्रिंटर को, जिस प्रिंटर से हम किसी भी चीज को 3D में प्रिंट कर सकते हैं। आप लोगों ने इस प्रिंटर से पहले भी मेरे इस YouTube चैनल में बहुत सारे प्रिंटर्स को देखा है, लेकिन ये प्रिंटर उन बाकी प्रिंटर से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि इस 3D प्रिंटर में हमें कुछ ऐसे एडवांस फंक्शन मिलते हैं जो बाकी के अदर 3D प्रिंटर्स में नहीं थे। तो आज के इस वीडियो में हम इस 3D प्रिंटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहो। ये प्रिंटर आर्टिलरी की तरफ से आता है एंड इसका नेम है साइडवाइंडर X2। ये 3D प्रिंटर हम तक बहुत ही सेफ पैकेजिंग के साथ इस बिग बॉक्स के अंदर आता है। तो हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये है 220 वोल्ट AC पावर केबल। ये है एक छोटा सा पाउच जिसके अंदर टूल्स एंड स्मॉल एसेसरीज दिया गया है। ये है फिलामेंट होल्डर जिसमें हम फिलामेंट रोल को लगाएंगे एंड ये है इंस्टॉलेशन मैनुअल। ये है इस 3D प्रिंटर का मेन यूनिट X एंड Z एक्सिस गैंट्री और इसी के नीचे इस 3D प्रिंटर का एक और मेन यूनिट है बेस। फाइनली इस 3D प्रिंटर के सभी पार्ट्स को हमने बॉक्स से निकाल लिया है। अब हम इस पाउच के टूल्स और छोटे एक्सेसरीज को बाहर निकालते हैं और इस 3D प्रिंटर को असेंबल करते हैं। खास बात यह है कि ये 3D प्रिंटर 95% प्री असेंबल्ड आता है। सिंपली हमें X-Z गैंट्री को बेस के साथ अटैच करना है एंड इसे अटैच करने के लिए बेस के नीचे 4 बोल्ट दिया गया है, जिस बोल्ट को हम एलन की से टाइट करेंगे। अब हमें Z एक्सिस के दोनों स्टेपर मोटर और फिलामेंट रन आउट सेंसर का कनेक्शन करना है। अब हमें इस 3D प्रिंटर में फिलामेंट होल्डर को इंस्टॉल करना है। अब हम फिलामेंट रन आउट सेंसर का कनेक्शन करते हैं। अब इस प्रिंटर में फिलामेंट होल्डर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस 3D प्रिंटर में लगे हुए जिपर्स को कट करेंगे। अब हमें इसे हटा लेना है क्योंकि हमारा साइडवाइंडर X2 3D प्रिंटर पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। इस 3D प्रिंटर में हम 3 kg तक के अलग अलग कलर के PLA, PETG और TPU फिलामेंट को यूज कर सकते हैं। ये 3D प्रिंटर 110 और 220 वोल्ट दोनों ही वोल्टेज को सपोर्ट करता है। ये है पावर ऑन ऑफ स्विच जिसे फ्यूज के साथ बनाया गया है। ये इस प्रिंटर को वोल्टेज के अप डाउन होने से खराब होने पर बचाता है और ये है पावर केबल जैक जिसमें हमारा पावर केबल कनेक्ट होता है। प्रिंटर के सभी सेटिंग्स और फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रिंटर में हमें कलरफुल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इस 3D प्रिंटर को कूल रखने के लिए प्रिंटर के बेस के राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड में वेंटिलेशन दिया गया है। ये है USB पोर्ट। इस 3D प्रिंटर में 3D फाइल के G कोड को इंसर्ट करने के लिए हमें 2 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट USB जैक जिसमें हम पेन ड्राइव को लगा सकते हैं एंड सेकेंड TF स्लॉट जिसमें हम TF कार्ड को लगा सकते हैं। इस 3D प्रिंटर में हमें डायरेक्ट ड्राइव एक्सट्रूडर मिलता है जो हमें मोस्ट प्रसाइजिंग प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है। इस प्रिंटर में Z एक्सिस के लिए डुअल स्टेपर मोटर दिया गया है। ये है ऑप्टिमाइज्ड लेवलिंग नट्स जिससे हम इस 3D प्रिंटर के बेड को मैन्युअली लेवल कर सकते हैं। इस 3D प्रिंटर में मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, प्रिंटर के X, Y एंड Z तीनों ही एक्सिस में केबल मैनेजमेंट बहुत ही क्लीन किया गया है। इस प्रिंटर का डायमेंशन 550x470x730 mm है एंड इसका बिल्ड वॉल्यूम साइज 300x300x400 mm है। इस 3D प्रिंटर में हमें ऑटो बेड लेवलिंग का ऑप्शन मिलता है। ये फंक्शन काम करता है सेंसर के थ्रू जो इस 3D प्रिंटर के एक्सट्रूडर के नोजल के पास दिया गया है। यह सेंसर 3D प्रिंटर के हॉट बेड के डिस्टेंस को मेजर करके ऑटोमेटिक बेड लेवलिंग करता है।
साथ ही इस 3D प्रिंटर में फिलामेंट रन आउट सेंसर दिया गया है। जब हमारा फिलामेंट प्रिंटिंग के दौरान टूट जाता है तो ये सेंसर उसे डिटेक्ट करके प्रिंटिंग को रोक देता है और बीप के थ्रू हमें अलर्ट भी करता है। इस 3D प्रिंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हमें पेन ड्राइव या SD कार्ड में उस ऑब्जेक्ट का STL फाइल डालना पड़ता है और बहुत ही आसानी से हम प्रिंट मेन्यू को क्लिक करके प्रिंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इस 3D प्रिंटर में पावर फेलियर डिटेक्शन और प्रिंटिंग रिज्यूम फंक्शन दिया गया है। जब भी प्रिंटिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब हमारा प्रिंटर ऑफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आता है वापस से हम उस प्रिंटिंग को रिज्यूम कर सकते हैं और प्रिंटर उसी जगह से प्रिंटिंग को स्टार्ट करता है। यही नहीं, इस 3D प्रिंटर में हमें और भी बहुत सारा फंक्शन मिलता है। अगर आप इस 3D प्रिंटर के बारे में और अधिक जानना चाहते हो या इसे खरीदना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, क्योंकि यूजर मैनुअल और बाय करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ये 3D प्रिंटर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये प्रिंटर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।